आज आपने अखबारों में देखा भी होगा, जो दीघा में जयप्रकाश नारायण पुल उत्तर बिहार को जोड़ रहा है उस पर ट्रकों के परिवहन को भी चालू करने की बात हो रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि यह रेल और सड़क पुल दोनों हैं और रेलवे के अभियंताओं का भी ये कहना है कि इस पर अगर हेवी ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी तो उसके सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। और दूसरा यह कि बहुत वर्षों के मांग के बाद, दशकों के मांग के बाद, 70 दशक के शुरुआत में गांधी सेतु बना, उसके बाद से लगातार मांग चल रही है कि एक छोटी गाड़ियों के लिए पुल बने, वो पुल बना। अब उस पर भी हम अगर ट्रकों को चलाना शुरू कर देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि यदि सड़क पुल बनाने की आवश्यकता समझी जाए जिस पर कि भारी परिवहन हो, तो उसको मनेर और दीघा के बीच में कहीं भी आप बनाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा बख्तियारपुर का पुल और कोइलवर का पुल, ये दोनों बन लगभग तैयार है। कोइलवर का तो चालू है, बख्तियारपुर का अभी कुछ थोड़ा सा उसमें विलंब है, अप्रोच रोड वगैरह का। और कोइलवर में भी जो अभी एक पुराना रेलवे पुल के अलावे एक जो पुल बन रहा है जो सीधे गंगा पुल को भी जोड़ेगा, तो वैसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि ये फिर समस्या रह जाएगी।